सुशील मोदी जी को तो सेट बैक कर दिया कुछ मुट्ठी भर, जिसकी कोई वजूद बिहार में नहीं है नेता। बीजेपी में तो शहनवाज हुसैन भी मर्यादित और विनम्र लोग हैं। दुर्भाग्य की मुसलमान यदि ना होते तो बिन शहनवाज जी आज मुख्यमंत्री के दौर के सबसे नंबर वन व्यक्ति होते। एक नए बदलाव पार्टी खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब होता है। अटल जी नहीं थे और अभी नरेंद्र मोदी, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस याद करिए, राजीव जी, इंदिरा गांधी, लालू यादव राजद और आज का राजद, तो आसमान पताल का अंतर है क्या? जमीन पताल इस जन्म में हो सकता है? अब नीतीश कुमार का कोई मुकाबला आप करिएगा? अब ना नीतीश कुमार जी उम्र से इस दहलीज पर आ गए कि कभी कभी जिस तरीके से झुंझलाते हैं, गुस्से में आते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बीजेपी ही होगी। फोनी करते रहना, विपक्ष से मिलके गाली दिलवाते रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। पहले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की पप्पू यादव से मुलाकात। मुलाकात के बाद पप्पू यादव का तारकिशोर प्रसाद को लेकर बयान देना कि तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं, और आज पप्पू यादव ने एक बार फिर से तारकिशोर प्रसाद के बाद सैयद शहनवाज हुसैन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। मुझको एक बात समझ में नहीं आता, तारकेश्वर बाबू पारिवारिक लोग हैं और हम रोसरा, बगहा, नौगछिया, झंझारपुर जिले की मांग, जानकी नगर प्रखंड जो बरसों बरसों से लंबित है, अनुमंडल बनमनखी जदिया प्रखंड, इस तरीके से लगातार हमने, हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। इसलिए समिति के अध्यक्ष हैं, कई घोटाले के मामले थे और मैं शालीन और विनम्र व्यक्ति जो बिना किसी प्रतिक्रिया के बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फूले, सावित्री बाई, इन सबों के विचारों से चलने वाले लोगों को मैं अच्छा मानता हूँ। और मेरी मान्यता है कि बीजेपी में सुशील मोदी जी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी थी, उससे बड़ा मेरे ख्याल से एक सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति। ये अलग है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। अब सबसे आप उम्मीद रखें कि वह व्यक्ति यह काम भी कर ले, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू यादव जी या नीतीश जी, रामविलास जी, शरद जी, उसमें सुशील मोदी जी भी, जॉर्ज साहब एक साथ काम करते रहे हैं। तो सुशील मोदी जी को तो सेट बैक कर दिया कुछ मुट्ठी भर, जिसकी कोई वजूद बिहार में नहीं है नेता। तो बीजेपी अच्छे लोगों को लाई होगी, हम तो अच्छे लोग कह नहीं रहे हैं। बीजेपी में तो शहनवाज हुसैन भी मर्यादित और विनम्र लोग हैं, जो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कभी बाचाल बात नहीं करते हैं, वह भी शालीन व्यक्ति हैं। लेकिन दुर्भाग्य की मुसलमान यदि ना होते तो बिन शहनवाज जी आज मुख्यमंत्री के दौर के सबसे नंबर वन व्यक्ति होते। तो तारकेश्वर बाबू एक शालीन और विनम्र व्यक्ति हैं, तब तो बीजेपी ने उन्हें बनाया है ना। कल के मुलाकात के और नहीं, तारकिशोर प्रसाद ने दिल जीत लिया है। हमारा दिल जीत लिया, हम लोग दोनों एक परिवार के हैं, ननिहाल के हैं। वो हम लोग का घर सहरसा, ननिहाल, कटिहार है और वो अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं। अच्छे तो खैर इस देश में कोई है ही नहीं, भले इंसान हैं, इसमें कहीं बहस नहीं है। मैंने कहा कि बीजेपी में कोई भविष्य, कोई चेहरा आज के डेट में सुशील मोदी के बाद नहीं है। तो कुछ लोग हैं, शहनवाज हुसैन हैं, राम कृपाल जी भी एक संघर्षशील लोग थे, उनको भी सेट बैक कर दिया गया। तो जब एक डिप्टी सीएम बनाए हैं तो हो सकता है बीजेपी कल उनको अपना सीएम का चेहरा प्रस्तुत कर दे। तो मेरा ये, हम ठीका नहीं ना लिए हैं सबका,
जोग मठ बराबर कहावत है, हमने व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात रखी है। जब एक नए बदलाव, पार्टी खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब होता है। अटल जी नहीं थे और अभी नरेंद्र मोदी हैं। अटल जी के चेहरे को याद करिए ना, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस याद करिए, राजीव जी, इंदिरा गांधी। व्यक्ति खराब थोड़ी होता है। लालू यादव राजद और आज का राजद, कोई आसमान पताल का अंतर है क्या? जमीन पताल इस जन्म में हो सकता है। अब नीतीश कुमार का कोई मुकाबला आप करिएगा? नीतीश कुमार का तो कोई मुकाबला नहीं है अभी बिहार में। अब ना नीतीश कुमार जी उम्र से इस दहलीज पर आ गए कि कभी कभी जिस तरीके से झुंझलाते हैं, गुस्से में आते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बीजेपी ही होगी। उंगली करते रहना, विपक्ष से मिलके गाली दिलवाते रहना, बीजेपी तो अपनी भूमिका अलग अलग तलाशती रहती है ना। हो के नहीं जाना था, अब जो हाल है बीजेपी का उसमें क्या बोला जाए। इसीलिए हमने कहा कि सुशील जी को जिस तरीके से समाप्त किया गया, वैसे राजनीति में कोई समाप्त होता नहीं है। कब परिस्थिति किसको हीरो बना दे, चेंज स्वाभाविक नियति है, हो के रहेगा, आदमी नहीं करता है। लेकिन वर्तमान समय में तारकेश्वर जी हों, शाहनवाज जी हों, रामकृपा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें तारकेश्वर जी भी एक भले लोग हैं। बीजेपी कभी भी चाहे तो ऐसे भले लोगों को, जो सबको ले चलने में विश्वास रखता है, आगे कर सकती है। तो आपने सुना तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम की तो तारीफ पप्पू यादव कर ही रहे थे, और अब सैयद शाहनवाज हुसैन की भी तारीफ कर रहे हैं पप्पू यादव, और कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं होते तो आज मुख्यमंत्री होते। खैर, लाइफ स्टीज के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशील मोदी जी को तो सेटबैक कर दिया कुछ मुट्ठी भर, जिसकी कोई वजूद बिहार में नहीं है नेता। बीजेपी में तो शाहनवाज हुसैन भी मर्यादित और विनम्र लोग हैं। दुर्भाग्य है कि मुसलमान यदि ना होते तो शाहनवाज जी आज मुख्यमंत्री के दौर के सबसे नंबर वन व्यक्ति होते। एक नए बदलाव, पार्टी खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब होता है। अटल जी नहीं थे और अभी नरेंद्र मोदी, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस याद करिए, राजीव जी, इंदिरा गांधी, लालू यादव राजद और आज का राजद। तो आसमान पताल का अंतर है क्या? जमीन पताल इस जन्म में हो सकता है। अब नीतीश कुमार का कोई मुकाबला आप करिएगा? अब ना नीतीश कुमार जी उम्र से इस दहलीज पर आ गए कि कभी कभी जिस तरीके से झुंझलाते हैं, गुस्से में आते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बीजेपी ही होगी। उंगली करते रहना, विपक्ष से मिलके गाली दिलवाते रहना।